हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक बंसल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लांट्स केयर बाय अभिषेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अरेका पाम के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पाम है जो आपको घरों में या कॉमर्शियल प्लेसेस में बहुत ही इजीली देखने को मिल जाता है। और अगर आपने भी अपने घर में इस प्लांट को लगाया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरेका पाम की कंप्लीट केयर के बारे में। दोस्तों, अरेका पाम जिस समय हम नर्सरी से अपने घर पर लेकर आते हैं उस समय प्लांट काफ़ी स्ट्रेस में होता है। और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि हमने जो एटमॉस्फेयर में इसको रखा हुआ है और हमारे घर का जो वाटर की क्वालिटी है वो नर्सरी से काफ़ी अलग होती है। इसलिए नर्सरी से इस प्लांट को लेकर आने के बाद इसे तुरंत पॉट में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए और इसकी प्रूनिंग भी नहीं करनी चाहिए। कम से कम 7 से 10 दिन का गैप जरूर रखें इसको पॉट में ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि आपका प्लांट स्ट्रेस फ्री हो सके और वो इजीली एंड हैप्पीली ग्रो कर सके। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है कि अरेका पाम 1 या 2 महीने तक ही सर्वाइव कर पाता है और वो मर जाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि इसकी पानी की रिक्वायरमेंट को समझे बिना ही हम इसमें वाटरिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से इस प्लांट की जड़ें गल जाती हैं और ये प्लांट मर जाता है। जी हाँ दोस्तों, अरेका पाम के सर्वाइव ना करने का 70% रीज़न इसकी वाटरिंग ही होती है। दोस्तों, अरेका पाम को मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने प्लांट में मॉइस्चर का लेवल तो मेंटेन करके रखना ही है, साथ ही हमें इस बात पर भी विशेष ध्यान देना है कि हमारे प्लांट में ओवर वाटर ना हो जाए, और अगर गलती से ओवर वाटर होता भी है तो वो पॉट के ड्रेनेज होल से बाहर आ जाना चाहिए। इसीलिए इसे पॉट में फिक्स करते समय इसकी मिट्टी को हमेशा पोरस ही बनाएं, और ताकि ओवर वाटरिंग के केस में आपका पानी पॉट के ड्रेनेज होल से बाहर आ सके। इसके साथ ही दोस्तों, इसकी मिट्टी को ज़्यादा टाइम तक आपको सूखा नहीं रखना है। अगर आपके पाम की मिट्टी ड्राई हो चुकी है तो आप इसमें तुरंत वाटरिंग करें, और कोशिश ये करें कि इसकी मिट्टी को ज़्यादा टाइम तक सूखा ना रखें, क्योंकि अगर आप इसकी मिट्टी को बहुत टाइम तक पानी नहीं देते हैं और वो पूरी सूख चुकी होती है तो आपका प्लांट की जो पत्तियाँ हैं उसकी जो टिप्स हैं वो ब्राउन बनना स्टार्ट हो जाती हैं और आपका प्लांट भी धीरे धीरे मरने लगता है। इसीलिए आप इसकी वाटरिंग करते समय ओवर वाटर और इसके मॉइस्चर लेवल को ध्यान में रखकर ही इसकी वाटरिंग करें। दोस्तों, अरेका पाम एक इंडोर प्लांट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप इसे इंडोर में किसी ड्राइंग रूम में या बेडरूम में प्लेस करने वाले हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि इस प्लांट को डार्कनेस भी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए इसे किसी ऐसे स्थान पर ही प्लेस करें जहाँ पर इसको ब्राइट लाइट या इनडायरेक्ट सनलाइट मिल सके। वहीं दूसरी तरफ, इसे आउटडोर में प्लेस करते समय इसे किसी शेडी एरिया में ही प्लेस करें और कोशिश ये करें कि इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट से बचाया जा सके। अब बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइजर की। दोस्तों, अरेका पाम एक लो मेंटेनेंस पाम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसको जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो इसकी मिट्टी और वाटर से कंप्लीट हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपका अरेका पाम ग्रो नहीं कर रहा है तो आप महीने या 2 महीने के रेगुलर इंटरवल में किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके पाम को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और वो अच्छे से ग्रो कर सके। दोस्तों, फर्टिलाइजर को अपने अरेका पाम में अप्लाई करते समय उसकी डोज का विशेष ध्यान रखें। अगर आप अपने पाम में ओवरडोज फर्टिलाइजर का यूज़ कर देते हैं तो आपका पाम जल सकता है और वो मर सकता है। इसके साथ ही उसकी जो लीव्स हैं वो भी ब्राउन हो सकती हैं। इसीलिए अपने अरेका पाम में बहुत ही कम फर्टिलाइजर का यूज़ करें और इसको नेचुरली ग्रो होने दें। दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अरेका पाम की केयरिंग को लेकर के। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो को मिस ना कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।